मौजूदा समय में दुनिया भर में भारत का टंका बज रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 की मेजबानी करने वाला है। अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 की यह बैठक होगी, लेकिन भारत इस बैठक को अपने स्टाइल में आयोजित करने पर विचार कर रहा है। भारत में विश्व स्तरीय G20 की बैठक होने के मायने क्या हैं? ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले जानिए कि G20 ग्रुप या ग्रुप ऑफ 20 क्या है। यह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और यूरोपीय संघ भी है। सामूहिक रूप से G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बनाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत ही करेगा। इस अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। भारत ने G20 के सदस्य देशों के अलावा मित्र देशों को भी बुलाने का फैसला किया है। इनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशियस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात गेस्ट होंगे। इसके अलावा G20 सदस्यों के अलावा कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समूह की बैठकों और शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा के तहत भारत संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इस बैठक में आमंत्रित करेगा। कहा जा रहा है कि विश्व स्तरीय इतनी बड़ी बैठक का आयोजन करना शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे की एक मिसाल है। एक सफल आयोजन के जरिए भारत दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अब वह सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2029 तक वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक उसके जर्मनी और 2029 तक जापान से आगे निकल जाने का अनुमान है। ऐसे में इतने बड़े शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यह शिखर सम्मेलन भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ा सकता है, जिसमें वह किसी के दबाव में आए बिना अपने हितों की रक्षा के लिए फैसले ले सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका या यूरोप के किसी भी दबाव की परवाह भारत ने नहीं की और रूस के खिलाफ नहीं गया, ऐसे ही आगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हालात का सामना भारत अपने बूते पर कर सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।